हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: स्केलिन, आइसोसेलस, इक्विलेटरल एंड राइट एंगल। आइए ये डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इज स्केलिन। स्केलिन इज ए ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। ये लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी। इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है और इस प्रकार की ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलिन। सेकेंड आइसोसेलस इन विच टू साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी और ये साइड और ये साइड, और इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलस। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास चार ट्राइंगल्स हैं, क्या इन चारों ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो 180 डिग्री है। चलिए चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके यूनिट्स देखो, यहाँ पे 8 यूनिट है, इसका 7 यूनिट है और इसका कितना है? 4 यूनिट है। तो दे आर डिफरेंट। तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के हम इंटीरियर एंगल का सम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 25, ये 62 और ये कितना 93। तो इन तीनों का जो सम है वो देखिए कितना? 180 डिग्री। थोड़ा सा और इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने और चेंज कर दी। यहाँ पे चेक करें, ये जो साइड है ये 5 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट है, सो इट इज़ ए स्केलिन। इसके एंगल का सम चेक कर लेते हैं। जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे कितना है? 25, सेकेंड है 112 और थर्ड है 43। आप इन तीनों को प्लस करें तो मेरे पास कितना यहाँ पे सम आ जाता है? 180 डिग्री। तो स्केलिन ट्राइंगल जो है उसके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री है। अब सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होती है? जिसके दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। हम यहाँ पे दो साइड्स जो हैं इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये दो साइड्स देखिए, यहाँ पे ये साइड जो है 6 यूनिट है और ये साइड कितनी है? 6 यूनिट है, और जो थर्ड साइड है वो कितनी? 7 यूनिट। तो ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। इनके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 55, यहाँ पे कितना है? 55, या कितना? 70। तीनों का सम चेक करें कितना? 180। तो जो आइसोसेलस ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल का भी जो सम है 180 डिग्री है। थर्ड ट्राइंगल हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये मैंने एक एंगल 90 डिग्री का बना दिया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 57 और थर्ड कितना है? 33। तीनों का जो सम है वो 180 आता है। एक और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। मैं इस तरफ यहाँ पे ट्राइंगल जो राइट हैंड ट्राइंगल बना देता हूँ। ये देखिए राइट हैंड ट्राइंगल मैंने बना दी। ये एंगल कितना है जी? 90, और यहाँ पे 90। सेकेंड एंगल कितना है? 34। थर्ड एंगल कितना है? 56। तीनों का जो प्लस करेंगे हम तो 180 आएगा, 180 डिग्री। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बच गई, फोर्थ ट्राइंगल। फोर्थ ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम चेक करते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम है क्या वो भी 180 है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए ये कितना साइड, इसका साइड का यूनिट्स कितना? 8 यूनिट। इस साइड का यूनिट कितना? 8 यूनिट। और इस साइड का यूनिट कितना? 8 यूनिट।
तो तीनों साइड्स आर जो है वो इक्वल है, थ्री साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसके हर एक एंगल जो है वो इक्वल होगा और कितना है 60 डिग्री ईच, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, दैट्स ऑल।